भाई 4 वर्ष कंप्लीट किए हैं रेडियो मधुबन ने आपके प्यार आपके सहयोग के साथ, और हर वर्ष एक उत्सव के रूप में हम यादगार मनाते हैं, हम सेलिब्रेशन बोलते हैं, उत्सव हो जाता है। और इस उत्सव में अपनी उपस्थिति देने हर साल कोई ना कोई खास शख्सियत आती है। इस बार बॉलीवुड से हमसिका अय्यर जी, जिनके मधुर गीत आप फिल्मों में सुन रहे हैं और अपने माता पिता के प्रति बेहद प्यार बेहद सम्मान लिए हुए हैं। शरीर से भले ही बड़ी दिखती हैं लेकिन दिल में वही बच्चा और वही मासूमियत इन्होंने बिल्कुल बचा करके रखी हुई है, और मुंबई जैसी माया नगरी में बचा करके रखी है। खूबसूरती की बात तो ये है। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। गुड इवनिंग एंड अ वेरी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रेडियो मधुबन इन देयर 4th एनिवर्सरी, एंड बहुत अच्छा लग रहा है इस अच्छे ओकेजन में मुझे बुलाया गया है यहाँ आप सबको मिलने। थैंक्स अमित। वाह, दो शब्दों में इन्होंने तो बहुत अपनी मिठास के साथ में बात कर दी। आज सुबह जब मुझे इनसे बातचीत करने का मौका लगा तो ये लता जी की तारीफ कर रही थी और मैं इनको सुन रहा था, इनकी आवाज़ में इतनी डिविनिटी, इतनी मिठास, इतना प्यार था कि मैं कह रहा था आप बोल रहे हो तो हमें सुकून लगता है। अब बात तो इन्होंने कर ही ली है, ज़्यादा तो बोल नहीं रही, तो कोई बात नहीं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी आवाज़ में कुछ मधुर गीत ज़रूर हमारे सामने रखें, आपकी उपस्थिति का लाभ मिलेगा। शुरू में आई विल सिंग अ वेरी ओल्ड सॉन्ग, वेरी ब्यूटिफुली संग बाय लता जी एंड हम दोनों फिल्म का जयदेव जी का कॉम्पोजिशन। क्या बात है। अल्लाह तेरो ना, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो ना, ईश्वर oh
इसकी आवाज बंद कर दी. सही है भाई जी, हैं मतलब इतनी मीठी आवाज चली तो हमारी आवाज ही आपने बंद कर दी. आप इतना मीठा गा रहे थे मैं पीछे खड़े होके खो गया. मैंने सही कहा था? इनके आवाज में वो मिठास, वो सुकून, वो शांति है. थैंक यू सो मच. मैंने सुना आप भी गाते हैं. गाता था. नहीं नहीं नहीं, वही सब आपके सामने आते ही बंद हो गया. आपके सामने आते ही बंद हो गया. अब कहाँ खुलेगा गला मेरा. मेरे सामने आके म्यूट मोड में हो गया. म्यूट मोड हो गया. नो नो, देयर आर बहुत अच्छे सिंगर्स यहाँ भी हैं जी. सो अच्छा लग रहा है टू सिंग इन फ्रंट ऑफ गुड ऑडियंस. थैंक यू सो मच. आप सबकी तारीफ हो रही है कि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं और आप में से कई लोग बहुत अच्छे गाते भी हैं. जोरदार तालियां इनकी. इन इस हमारे यहाँ सिखाते हैं ना निरहंकारिता, तो उस ऊंचाई को छू करके भी वो, मैंने आपसे कहा था ना कि वो बच्चे और उसकी मासूमियत को इन्होंने सहेज करके रखा हुआ है माया नगरी में भी. और इसका कारण शायद इनके माता पिता से इनका जो बहुत प्रेम है, लगाव है, और उनको जो आत्मसात कर रही है. दीदी अब क्या सुनाएंगे आप? अभी मन एक थोड़ा न्यू फिल्म से, बट वेरी सूफी. हाँ जी, मैंने कहा तो बहुत जल्दी एक्सप्रेस दौड़ाने पे तुले हुए हैं. सबको पता होगा ये गाना भी. कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क. मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू, बस कर दे आशिकाना मेरे वास्ते. मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते. मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, सुबह की लाली है इश्क. अभी तो वो एक्सप्रेस दौड़ाने की बात कर रहे हैं ट्रेन.
दीदी वो सॉन्ग जो पूरी फिल्म बन गई लेकिन एक ही सॉन्ग है उस फिल्म में आपके नाम पर एंड दैट इज योर फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग जिसको सुन के हम सोएंगे नहीं खोएंगे तो मैं जस्ट माय वॉइस ओके अच्छा विदाउट म्यूजिक विदाउट म्यूजिक वाओ बहुत ही मजा आने वाला है फिर तो अमेजिंग बहुत सुंदर गाना मिला था फ्रॉम शांतनु मोइत्रा फॉर एक लव ये फिल्म चंदा रे धीरे से मुस्का हौले से पलकों में छुप जा हौले से सन 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 सना बादल के झूले पे खन 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 खना हौले से बादल के झूले पे मुस्का चंदा रे धीरे से मुस्का हौले से पलकों में छुप जा थैंक यू विदाउट म्यूजिक दीदी आपकी आवाज में इतनी खनक थी इतनी मिठास भरी हुई थी कि बहुत आनंद आया आपको बता दूं कि हमसिका अय्यर जी कर्नाटकीय संगीत पद्धति से भी उन्होंने पूरी संगीत की शिक्षा ली हुई है और सबसे पहले गुरु इनके पिताजी रहे और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति मेरे ख्याल से रविंद्र संगीत पद्धति कहलाती है दीदी हिंदुस्तानी रविंद्र संगीत पद्धति उसमें भी पूरी तरह से क्लासिकल म्यूजिक ट्रेंड है और न जाने कितने सारे गुरुओं से इन्होंने सब कुछ हिब्स कर लिया है जोरदार तालियां इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए भी दीदी वो छोड़ेंगे नहीं मुझे वो एक्सप्रेस दौड़ाने को बोल रहे हैं कौन आ रहा है स्टेज में नाचने के लिए Who is coming? दीदी यहाँ पर हल्का सा एक पॉज लूंगा हमारे वरिष्ठ भ्राता जी रमेश शाह भाई जी वो मंच पर पधार चुके हैं उनका स्वागत करते हैं मैं बहनों से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें विश्वविद्यालय के महासचिव आदरणीय ब्रह्मा कुमार रमेश शाह भाई जी दीदी एक्सप्रेस में कौन सा गाना सुनना चाहते हैं 1 2 3 4 में मेरा गाना वो एक ही है अच्छा 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 ठीक है दीदी कम नो कम सब लोग यहाँ आना डांस नो जी शायद अभी थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं थोड़ा शर्म आ रही है है ना और my part little bit edited जी 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 सब लोग ஏண்டா எங்க போற ஏன் அன்புக்கு நீதாண்டா ஆளு வந்து கட்டிக்கடா ஏன் உடம்பெல்லாம் காயது பாரு பூனம் கிச்சாந்துக்கோ குங்கட்கு நீச்சு சுப்பாக்கே लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के 1 2 3 4 get on the dance floor booty shake dapango the hardcore shoulder hichik michik body hichik michik gimme 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 some more 1 2 3 4 get on the dance floor booty shake dapango the hardcore shoulder hichik michik body hichik michik gimme 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 some more wow Thank you so much. Radio Madhuban 90.4 FM. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.